तो मैं अभी बुलाता हूं आपके चहेते संदीप जी महेश्वरी को। संदीप वेलकम। चलिए आप बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और मुझे इस काबिल समझा कि मेरे को आपने यहाँ पे बुलाया। इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। आपके यहाँ तो सब बड़े फैन हैं तो सब छोटे छोटे लग रहे हैं देखने में, तो सब मेरे ऐसे लग रहे हैं, कोई भी बड़ा नहीं लग रहा। सो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आप में से कितने लोगों ने मेरे सेशंस देखे हुए हैं? ओह, काफ़ी लोगों ने देखे हुए हैं। सो वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले तो हमारा एक बिलीफ है जो हमारे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है कि जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार इतना सब सुनने के बाद में कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, या फिर अगर 50 चीज़ें आ गई, अब जैसे सर ने कुछ बातें बोली, कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, कुछ बातें और लोग बोल रहे हैं, तो 50 बातें सुन करके एंड में हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, हम कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा। सो सबसे पहले एक चीज़, कुछ भी शुरू करने से पहले हमको अपने आप को बोलना है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आसान है, आसान है, कुछ नहीं है। देखो थिंकिंग अलग डायरेक्शन में चली गई कि डर को कंट्रोल करना है, कोई हवा नहीं है भाई। बहुत लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से हमको डर लग रहा है, वो रूट कॉज क्या है, और जैसे ही वो थोड़ी सी चीज आपको समझ आ जाएगी तो सारे सॉल्यूशंस आपके अंदर से ही निकल करके आ जाएंगे। क्या आपको ऐसे लगता है कि हम लोगों को जो फियर है, और बहुत लोगों को फियर है, क्या केवल इसलिए है कि सारा वातावरण पूरा हमारे इर्द गिर्द इतना नेगेटिव हो चुका है? एब्सोल्युटली, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है कि आसपास में इतना एनवायरनमेंट नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस करने का सोचता है तो रियलिटी क्या है, हम कुछ भी सोचते रहें कि हम इतना बड़ा बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, बट रियलिटी ये है कि 90% बिजनेसेस 3 साल के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं। सो जैसे हम रियलिटी को देखते हैं तो उसको देख करके ऑटोमेटिकली अंदर से डर आ ही जाता है। अब ये सिचुएशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो देखने का अपना अपना नजरिया है, लेकिन अगर हम डर की गहराई में जाएं, बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि डर है क्या और कहां से पनपता है, और उसको फेस करना इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। जैसे मेरी लाइफ के दो फंडे हैं जो एब्सोल्युटली क्लियर है। एक ये कि इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, सबसे पहले अपने आप को बोल दो कि आसान है, तो अब आप उस जोन में आ गए कि अब आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। दूसरा, हमको ये सोचना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी, जैसे डर इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, कि अगर हमारी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स है तो उसमें से एक प्रॉब्लम है डर, तो हर प्रॉब्लम के हजारों सॉल्यूशन। जो डर अपने आप में प्रॉब्लम है उसके हजार रास्ते हैं उस सिचुएशन, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब कोई एक फंडा हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम डर की गहराई में जाएं, सबसे पहले हम देखें कि डर लगता क्यों है। जैसे जैसे हमको चीजें समझ आती चली जाएंगी, डर धीरे धीरे अंदर से निकलता चला जाएगा, हम उसको और अच्छे से फेस कर पाएंगे। अगर वो डर हुआ तो हम डर को ही नहीं फेस कर पाएंगे, डर का सामना ही नहीं कर पाएंगे, डर से डर जाएंगे। सो बेसिकली क्या है, अगर हम इसके रूट कॉज में जाते हैं कि हमें सिर्फ दो चीजों का डर लगता है। एक जो अभी आपने कहा था कि जो कुछ भी हमको मिल चुका है पास्ट में उसके खोने का डर, ये होता है। दूसरा है कि जो हम पाना चाहते हैं फ्यूचर में उसके ना मिलने का डर, ये दो ही डर है, तीसरा कोई डर नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात करूं, आपने अभी स्टेज फियर की बात करी थी, अगर प्रेजेंट आप एक बार को भूल जाओ कि फ्यूचर नाम की और पास नाम की कोई चीज है, और आप यहां पर आकर के बस खड़े हो जाओ और जो मन हो रहा है वो बोलते रहो, तो कोई डर है? कोई डर नहीं है। ये समझ लो सामने वाले सब बेवकूफ हैं, सामने वाले सब बेवकूफ हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। संदीप, वी हैव अ कॉलर फ्रॉम बॉम्बे, अमित त्रिपाठी। अमित जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। हमारा सवाल है सर कि मैं आज 3 साल से पहले मैं जॉब करता था, अभी मैं बिजनेस में आया, और मैंने स्टार्टिंग से ही लॉस हुआ मेरा बिजनेस में, लेकिन मैंने वापस ट्राई किया और खड़ा हुआ, फिर वापस मुझे लॉस हुआ, ऐसा मेरे साथ में 6 टाइम हो गया है। अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं वापस जॉब में जाऊं कि बिजनेस को कंटिन्यू करूं। तो आपको फेलियर से डर लग रहा है? सर, डरने का भी आपने कहा कि आपके पीछे कुछ नहीं है और आगे कुछ नहीं, आप प्रेजेंट में खड़े हैं, तो उस चीज से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है कि मुझे जो पाना है वो मैं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। संदीप जी महेश्वरी आपकी बात का जवाब देंगे। मिस्टर त्रिपाठी, मिस्टर त्रिपाठी देखिए, वही बात मैं अभी जो
बोलने वाला था उसको मैं कंप्लीट करता हूं, उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ आ जाएगा कि आपका डर, डर की जो जड़ है वो सिर्फ ये है कि आप कुछ पाना चाहते हैं और आपको ये डर है कि अगर वो नहीं पाया तो क्या होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, बड़ा सिंपल है कि एक तो है थ्योरेटिकली मैं आपको बोल दूं कि पास्ट को छोड़ना है, फ्यूचर को छोड़ना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है जहां कोई डर नहीं है। कि अगर मैं इस मोमेंट की बात करूं वहां पर कहीं कोई डर नहीं है। लेकिन ये करेंगे कैसे, प्रैक्टिकली कैसे करें? सो उसका एक सिंपल सा फंडा है जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा अप्लाई करता हूं, वो ये है कि हमारा ध्यान दो जगह हो सकता है, एक जगह पे डर है, एक जगह पे फियरलेसनेस है, एक जगह पे ट्रैप है, एक जगह पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, एक जगह पे बिल्कुल दबंग है। जैसे दबंग 2 एक मूवी आई थी ना, ऐसी दबंग 3 कि कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। वो क्या है, एक है अर्निंग एटीट्यूड कि मुझे कमाना है। अब वो अर्निंग में तीन चीजें आती है, नेम, फेम और मनी, तीनों चीजें उस अर्निंग का ही पार्ट है कि मुझे ये कमाना है। एक है लर्निंग एटीट्यूड कि अगर हम अपने एटीट्यूड को हल्का सा शिफ्ट कर दें और लर्निंग पे ले आए तो लर्निंग इज ऑलवेज देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट, अर्निंग इज ऑलवेज देयर इन द फ्यूचर। तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है त्रिपाठी जी, कि अब तक अगर आप 5 बिजनेसेस में या 6 बिजनेसेस में फेल हुए तो सबसे पहले तो आप देखिए कि वहां से आपने क्या सीखा, और अब जो करना है और नहीं करना है उसका फैसला आपके लिए और कोई नहीं ले सकता, वो फैसला आपको खुद लेना है उसके बेस पे जो आपने सीखा। फिर अगर आपने अर्निंग एटीट्यूड अपना बीच में ले आया तो गड़बड़ हो जाएगी, कि अगर आपने ये टारगेट किया कि अब मैं एक और बिजनेस करूंगा क्योंकि मेरे को इतना कमाना है, तो अगेन वो कमाना और नहीं कमाना आपके हाथ में नहीं है। अगर होता तो कोई भी बिजनेस में फेल क्यों होता। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने लर्निंग एटीट्यूड लेकर के आ गए, हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। अब दो चीजें होंगी लाइफ की सिचुएशन में, या तो आप कुछ भी कर रहे होंगे सक्सेसफुल हो गए या फेल हो गए। इफ यू आर सक्सेसफुल तब भी आपको यही देखना है कि मैंने उससे क्या सीखा। अगर सक्सेस पे अटक गए, अर्निंग एटीट्यूड आ गया, तो गारंटेड है आप आज नहीं तो कल फेल हो गए, गारंटेड है। आपका ध्यान अर्निंग पे चला गया, कमाई पे चला गया, इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट से हट गया, लर्निंग से हट गया, ग्रोथ होनी बंद, फेलियर आया ही आया। दूसरी तरफ से अगर हम फेल हो भी गए किसी भी चीज के अंदर, तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, आप मुझे एक भी आदमी ऐसा दिखा दो जो लाइफ में कभी फेल ना हुआ, जो भी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है, और उनसे अगर आप जा करके बारीकी से पूछोगे कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो कहेंगे कि मेरे फेलियर्स का है। इसीलिए ऑलवेज आई से कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। जी क्या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि फेल्योर तभी फेल्योर है जब हम फेल्योर स्वीकार कर लें। हाँ, जब तक फेल्योर स्वीकार नहीं करें तब तक फेल्योर कहां है त्रिपाठी जी? भी नहीं है फेल्योर, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया तब आपको फेल्योर है। हाँ, एब्सोल्युटली। सर इसके लिए हम अभी पिच पे रुके हुए हैं और आज करने के लिए प्रयासरत हैं। आप पिच पे रहिए और छक्का मारिए, आप कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बस इतना सा है, देखिए कितना आसान है कि अब जब भी अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, लाइफ में मुझे पर्सनल लेवल पे ऑलमोस्ट किसी भी चीज से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कोई भी काम मैं करने वाला हूं तो सबसे पहले तो मैं अपने ध्यान को लेकर के आ जाता हूं प्रेजेंट मोमेंट में, और उसके बाद में अगर मैं उस चीज में सक्सेसफुल हुआ तो सबसे पहले मैं उसको छोड़ देता हूं। क्योंकि अगर डरना ही है तो अगर आप मुझसे पूछो मेरे को किससे डर लगता है, फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि फेलियर से तो एक्सपीरियंसेस आएंगे। आई ऑलवेज से सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। सक्सेस एक्सपीरियंस से ही आने वाली है और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंसेस से आएंगे, तो डरना क्या है उससे, वो तो अच्छा है, एक्सपीरियंस तो हुआ ना कुछ। डरना है तो सिर्फ इससे डरो कि अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी सक्सेस आ जाए, कितना भी बड़ा फेलियर आ जाए, मैं सीखना बंद ना करूं। जहां सीखना बंद वहां जीना बंद। यस, खत्म। हमारे पास एक कॉलर है राजकोट से, आरपी सिन्हा साहब, काहे केम छो साहेब? मजा में सर, मजा में। मजा में के शू सवाल छे तुम्हारो? सर मेरा सवाल ये है कि हमारी जो सवाल है, कोई भी चीज हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कब तक हम करेंगे, जब तक मुझे कुछ उम्मीद में बैठे रह गए, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि विश्वास पर विश्वास कब तक करें, है कि कब तक विश्वास करें? इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, अच्छा बनना चाह रहा हूँ। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बार अपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम दे देते हैं, वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एज है 18 साल और मैं कहूं कि मैं अगले 2 साल में एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूंगा, ये विश्वास है अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। और दूसरी तरफ मैं कहूं कि मैं अगले 2 साल में
कुछ ऐसा करूंगा कि आज मैं जिस स्टेज पे हूं उससे आगे बढ़ जाऊंगा अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे। तो अगर कोई भी चीज आप कह रहे हैं, अब आप इस चीज को फर्क कैसे करेंगे, देखिए कितना आसान है। अगर आप कोई भी चीज कह रहे हैं कि मुझे उस चीज पे विश्वास है बेस्ड अपॉन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वो विश्वास है, गड़ा हुआ है। और अगर आप बोल रहे हैं हवा में, तो वो अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। कोई कुछ भी बोल दे, अगर हमको उस चीज की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और हम उस चीज में परफेक्ट होते चले जा रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर कुछ भी किया जा सकता है। चाहे आप कहो डरना जरूरी है, या ये कहो कि डरना जरूरी नहीं है, दोनों ही अपने आप में झूठ है, दोनों ही सिचुएशन सच नहीं है। अपनी अपनी दो लोगों की अलग अलग इमेजिनेशन है, लेकिन एक बात पक्की है, दो झूठ में से जिस सच को आज आप मान लोगे, वो कल आपका सच बन जाएगा।